लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम्हें मालूम है भी नहीं, मैं बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलता था। 1980 में हमारी टीम ऑल इंडिया चैंपियन रही थी। विजय, स्टॉप दिस गेम। मिस्टर विजय, चले जा, मैं मिलता हूँ पुलिस वाला। आपने अपने दिल के हिस्से और जिगर के पार्ट को, जो कल आपके दिल का हिस्सा थी, आज हमारे। अबे वो केस तो बंद हो चुका है, क्या सुन रहा है? मिस्टर विजय, हमें इतनी जल्दी? हाँ किशोर भाई, उसके घर पे मैंने मेरे दो आदमी भेजे थे। हाँ, अरे मेरे मतलब मेरे घर के नहीं, दो हवलदारों को भेजा था। उसको पकड़ के लेके आए, लॉकअप में बंद किया है। आप शाम को आइएगा ना। हाँ हाँ, और सुनो, हाँ थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। हाँ लेकिन याद रखना, इसमें पुलिस को एक मिनट नहीं होना चाहिए। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ये आवाज तो सुनी हुई लगती है, जैसे फिल्म बेनाम में प्रेम चोपड़ा। और इसमें जो आवाज है वो बेचैनी का पता चल। इंस्पेक्टर निर्मल चोपड़ा, तो दूर करना चाहो तो ज्यादा सिर्फ 5 करोड़। पहली बार बोला लेकिन काम की बात बोला। अब हमारी गुड़िया रानी सुप पिएगी, फिर हम लोग घूमने चलेंगे। लो लो गुड़िया रानी। ए विनी, चलती क्या खंडा, वहाँ खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। साहब, आपसे मिलने निर्मल चोपड़ा साहब आए हैं। निर्मल चोपड़ा, आज मैंने तो उसे कहा था फोन करके आना। एनीवे, अरे रे, ये क्या कर रही हो? आप तो हमारे लिए देवता समान है साहब, आपने हमारी बिटिया की जान बचाई है। अरे ये तो मेरा फर्ज है, उसकी जान जितनी कीमती आप लोगों के लिए उतनी कीमती मेरे लिए भी है। हेलो विजय साहब, हमारी बेटी के लिए आपको अपना खून बहाना पड़ा। अच्छे काम के लिए आदमी को खून तो क्या, अपनी जान भी दे देनी चाहिए। वैसे खन्ना साहब, मुझे इस खून खराबे से बिल्कुल नफरत है। लेकिन आप तो फोन करके आने वाले थे। जी हाँ, दरअसल मैं इस हादसे से काफी डिस्टर्ब हो गया हूँ। मैंने एक साथ कभी 4 जनों का इनकाउंटर नहीं किया है, इसलिए मेंटली रिलैक्स होने के लिए मैं कहीं बाहर जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने। कोई बात नहीं, अगर आप फोन करके आते तो मैं बैंक से कैश निकाल कर रखता, चेक चलेगा? हाँ नो प्रॉब्लम, चल जाएगा। वैसे विजय साहब, एक बात पूछूं आपसे, आपने उन किडनैपर्स को पैसे देने से इनकार क्यों किया? इंसानियत ने रोक लिया। आपने हमारी बच्ची की जान बचाकर ये साबित कर दिखाया है कि पुलिस डिपार्टमेंट में आप जैसे बहादुर लोग भी होते हैं, क्यों विजय? विनीता, गायत्री, जरा विनीता को बुला लाना। नहीं, रहने दो, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ओके, आप शक्कर कितनी लेंगे? 3 चम्मच। दरअसल मैं बड़ा मीठा आदमी, मीठा खाना या पीना मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैं उठाती हूँ। मिस्टर विजय खन्ना, मैं इंस्पेक्टर हैदर अली बोल रहा हूँ। हमें पता चल गया है कि आपकी बेटी विनीता का किडनैपर कौन है। वो मरा नहीं, अभी तक जिंदा है। वो और कोई नहीं, इंस्पेक्टर निर्मल चोपड़ा है। I'm sorry, आपके लिए दूसरा चेक साइन कर देता हूँ। मिस्टर विजय खन्ना, बहुत शाना समझता अपने आपको। अब जब तू जान ही गया कि मैं कौन हूं, मेरा वक्त जाया मत कर। जिन पैसों के लिए मैंने इतनी चालें चली हैं, मैं उसे इतनी आसानी से बाउंस होने नहीं दूंगा।
अब इस पैसे को कैश करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। चल बैंक, चल। Get up, move. Come on, get up. चल। बंद कर अपने नाटक। चल, चल। चल, कमान, कमान, करें, करें, ए, अंदर चल, विजय, क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, जब आपका फोन आया था तब निर्मल चोपड़ा हमारे यहाँ पैसे लेने आया हुआ था और वो मेरे पति को गन पॉइंट पर रखकर बैंक की तरफ ले गया है। आप घबराइए मत, हम उधर ही जाएंगे। वैसे भी ये फिल्म काफी लंबी हो चुकी है, क्लाइमेक्स वहीं जाके खत्म करना पड़ेगा। मिस्टर निर्मल चोपड़ा उर्फ छोटे, तुमने राम और श्याम बनकर अपना डबल रोल खूब निभाया। अब पुलिस अपना रोल निभाने के लिए आ गई है। तुम गिरफ्तार हो जाओ, यही तुम्हारा क्लाइमेक्स है। इंस्पेक्टर हैदर अली, चालबाज उसे कहते हैं जो हारी हुई बाजी भी जीत लेता है। Fuck!
मिस्टर विजय खन्ना, कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश मत करना। सर, वक्त आ गया विलन को उठा लूं। शट अप। थैंक्स मिस्टर विजय खन्ना। Arrest him! Arrest him! Let's go! Let's go! Bye bye bye!